हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं सबका के लिए ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग होंगी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी रहेंगी आपकी वीडियो को लास्ट तक देखना किसी भी स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट हैबिट इज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो आपने सबसे पहले अपनी हैबिट ये बनानी है कि आपने सुबह जल्दी उठना है और अपने सारे कामों की लिस्ट बना लेनी है कि आपने आज सारा दिन कौन कौन से काम करने हैं और वो काम अपने अपने परफॉर्म करने हैं नेक्स्ट आप लोगों ने नमाज़ नहीं छोड़नी नमाज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना सुबह उठे नमाज़ पढ़ें उसके पास कुरान पाक पढ़ें आप इतना ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं माइंड भी आपका इतना ज़्यादा फ्रेश फ़ील करता है कि आप लोगों का सारा दिन बहुत अच्छा हो सकता है उसके बाद आप लोग वॉक के लिए जा सकते हैं वॉक आपने सुना ही होगा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के, तो के लिए तो आपने सुबह उठते साथ ही कोई आधा घंटा निकाल लें वॉक के लिए तो वॉक आप लोगों ने लाजमी करनी है इसी होता है कि आपकी बॉडी सारा दिन एक्टिव रहती है अगर हम शुरू में ही सुस्ती दिखा देंगे तो सारा दिन ही हम सुस्ती रह सुस्ती ही रहते हैं तो आप लोगों ने वॉक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना अपनी डेली रूटीन बनाने की अपने वॉक नहीं छोड़नी नेक्स्ट आप लोग अगर चाहते हो कि आपके मुंह से जो एक स्मेल आ रही है रोज़ आप लोग सॉफ्ट या एलाइची लो और उसको खाओ एलायची भी खा सकते हो सॉफ़्ट भी खा सकते हो तो इसी ये होगा कि आपकी मुंह की स्मेल है तो वो बैड ब्रेथ होती है वो भी कम हो जाएगी कुछ लोगों की आदत होती है वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती अगर मैं अपना नाश्ता स्किप कर देती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी दिन अच्छा नहीं गुजरता आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने नाश्ते को अपनी डाइट में शामिल करें और इसको स्किप ना करें इससे ही आप सारा दिन एक्टिव रह सकते हैं उसके अलावा आप लोग अपने डाइट में फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं ए बी सी सैल्यूड आप लोग शामिल कर सकते हैं वो खा सकते हैं और जंक फूड बिल्कुल ही स्किप करते हैं आपने अगर आपका बहुत ज़्यादा देर कर रहा है तो महीने में एक दफ़ा खाएं लेकिन बिल्कुल छोड़ते हैं इसको नेक्स्ट आप हेयर केयर आ जाती है हेयर केयर को भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना इसको अपनी हैबिट बना लें ऑयलिंग करें वीक में एक दफ़ा और अच्छे से अपने हेयर की मसाज करें इसी का होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है और आपके जो हेयर क्या हेयर जो आपके होते हैं थिन हुए होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं नेक्स्ट है मिट आ जाती है एक अच्छी शावर रूटीन शावर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना डेली शावर लेना है एक अच्छा सा शावर जल लें और आप उसको लोफा की मदद से अपने पूरी बॉडी पे स्क्रब कर सकते हैं एक्सफोलिएट कर सकते हैं ये लोफा हमारी बॉडी को एक्सफोलिएट करता है तो आप लोग इसको लाजमी यूज़ करें नोफा के कर ना शावर लें उसके अलावा आप लोग स्क्रब यूज़ कर सकते हैं होम स्क्रब बना लें उस पर यूज़ कर लें नेक्स्ट आप लोगों ने डिओड्रेंट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आपको बैंड और दौड़ का इशू है अगर आप लोगों को अंडर आर्म्स के बेस्मेल का इशू है तो आप लोग डिओड्रेंट को बिल्कुल भी स्किप ना करें उसके बाद आप शावर ले ली डिओड्रेंट लगाए देन आप कोई भी अच्छा सा बॉडी स्प्रे यूज़ कर लेना जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर लो और डैट इज़ इनफ नेक्स्ट अगर आप लोगों ने डेली शावर लेना है तो डेली अपने कोई अच्छे से कपड़े आप लोगों ने पहन लेने हैं और ड्रेसेस को भी आप लोगों ने अच्छे से प्रेस करके रखना है और जो आपने ड्रेस पहनना है वो भी आपका प्रेस होना चाहिए शॉवर लेने के बाद आप वो कपड़े चेंज करें इससे ये होता है कि बहुत अच्छा और फ्रेश फील करते हैं नेक्स्ट हैबिटिट ये है कि आप लोगों ने अच्छी सी स्किन केयर को फॉलो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अच्छा सा फेस वॉश ले लेना है और अपने फेस को वॉश कर लेना है और ये मेरे पास पॉन्स का फेस वॉश ये भी बहुत अच्छा है फेस को वॉश करने के बाद आप लोग मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं जो भी मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सूट करता है अब वो यूज़ कर लें यहाँ पर मेरे पास स्किन वाइट का है वेजलिन का है मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं दोनों ही मेरी स्किन पर बहुत अच्छे सूट किए हुए हैं तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लेती हूँ और आप लोगों ने अगर कोई सीरम यूज़ करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अगर हेलोरोनिक से है मैं तो सीरम और मॉइस्चराइजर को दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना मैं सीरम यूज़ करती हूँ रात में सोने से पहले और मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल करती हूँ सुबह तो कोई भी आप लोग सीरम ले लो यहाँ पर मेरे पास हेलोरॉनिक था अब ये वाइटामिन सी सीरम है डॉक्टर राशेल का इसका भी बहुत जल्दी मैं रिव्यू शेयर करूँगी क्योंकि हेलोरोनिक का है, तो मैंने रिव्यू शेयर कर दिया है लेकिन मैंने इसका शेयर नहीं किया तो इसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी ये पी बहुत अच्छा है आपके जो सन डैमेज हो गया हुआ है स्किन में या स्किन डरनेस आ गई है तो ये उसको भी कम करता है अगर आपको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है तो आपने बिल्कुल मिनिमल ज्वेलरी वेयर करनी है फ़ॉर एग्जांपल वॉच को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं ना करना जब भी रोज़ कहीं आप कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों ने वॉच लाजमी पहननी है लेकिन अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो इस तरह से आप कोई वन स्टोन पेंडेंट और ईयर को, को वेयर कर सकते हैं इसके अलावा आपने कुछ भी वेयर नहीं करना जेलरी में दैन आप कोई सिंपल वन स्टोन रिंग भी वेयर कर सकते हैं इसके अलावा आप लोग तो देखा होगा बहुत ज़्यादा हैवी थिंग्स भी आती हैं वो आप लोग डेली वेयर ना करें इस तरह की रिंग्स जो है वो अच्छी लगती है डेली पहनी हुई और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक हाथ में तीन तीन रिंग्स पहनी होती है तो वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बहुत चीप लुक होती है तो आप इस तरह कर सकते हैं लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रिंग्स पसंद हैं तो एक हाथ में आप दो पहन सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आप लोगों ने रिंग्स वेयर नहीं करनी उसके बाद आप लोगों ने मेकअप अगर करना है तो डेली बेयर मेकअप मेक में सिर्फ एक बेबी यूज़ करें उसके बाद आप लोगों को कोई भी ब्लशन अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं फेस पाउडर लेकिन ये बेबी एक्सक्रेम की जो है ये इनफ है इसके ऊपर और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही होती है तो आप लोग इसको यूज़ करो और दैन आप लोग यूज़ कर सकते हो एक लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो देन एक मस्कारा यूज़ कर सकते हो देक इज इनफ इसके अलावा और कोई मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट हैबी ड्रिंक क्लॉक ऑफ वाटर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है अगर आप ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं करते तो इस तरह आप लोग कैल्शियम ले सकते हो इससे ये होता है कि आपके जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है तो आप लोग मस्ट इसको अपनी डाइट में शामिल करें पानी भी और कैल्शियम लें और आप लोग जो भी सप्लीमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताई हुई आप लोग वो भी ले सकते हैं बाकी आज की वीडियो मेरी यहाँ तक ही थी आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा मैंने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाफ़